उज्जैन जिले की उन्हेल पुलिस थाना क्षेत्र के गांव घुड़ला निवासी स्कूल छात्राओं के साथ बागरी समाज के युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छेड़छाड़ करने वाले 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद उन्हेल से अपने गाँव घुड़ला जा रहे राजपूत समाज की छात्राओं के साथ गाँव के ही लड़कों ने छेड़छाड़ की थी। छात्राओं ने यह बात अपने परिवार के लोगों को बताई। राजपूत परिवार के लोगों ने छेड़छाड़ करने वाले युवकों की पिटाई कर दी और शनिवार को छात्राओं के परिजनों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग थाने पर पहुंच गए, छेड़छाड़ करने वाले लड़कों की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बावरी समाज के लोगों ने भी मारपीट करने वाले कुछ युवकों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इसके बाद पुलिस ने संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में फ्लैग मार्च निकाला। इस घटना को लेकर क्या कहते हैं थाना प्रभारी, आइए जानते हैं। कल सुबह 4:30 बजे कुछ बागरी समाज के लड़कियों ने राजपूत समाज की लड़कियों को छेड़ा था, तो आज सुबह वो खबर पुलिस को कल नहीं मिली थी। आज सुबह कुछ राजपूत समाज के लोगों ने और लड़कियों के परिवार वालों ने उन लड़कियों के साथ मारपीट की और फिर उनको थाना लेकर आए, तो उस समय ये सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने उस पर तत्परता से एक्ट करते हुए उन लड़कों के खिलाफ 354 की कायमी की गई है और जो बागरी समाज के साथ मारपीट हुई है उनके खिलाफ 323, 294, 506 और SC/ST एक्ट के अंदर कायमी की गई है। मैटर की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में फ्लैग मार्च निकाला है पुलिस ने और अभी भी फिक्स पॉइंट्स लगे हुए हैं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से, और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक पुलिस बल मौजूद रहेगा। सर, बताया जा रहा था कि गत वर्ष भी इन्हीं लड़कों ने ये लड़कियों को छेड़ा था, ऐसा कुछ मामला आया क्या सामने? जी, ऐसा बातचीत से पता चला है कि शायद ऐसी घटना हुई थी बट पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। ये मतलब ऐसे इनफॉर्मल बेस से अभी शाम को ऐसा पता चला है कि हुई थी बट तब पुलिस के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई थी, नहीं तो पुलिस उस समय भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करती है। उन्हेल से सतीश सोनी की रिपोर्ट।